अदानी ग्रुप को बड़ आश्वस्ति हिंडनबर्ग मामलें सुप्रीमकोर्ट बड़ राय सेबी जांच में हस्तक्षेप करने को मना कले सुप्रीमकोर्ट। कोर्ट कहते सेबी जांच सक्षम 24 मामलों 22 मामलें जांच शेष कर सेबी बाकी 2 मामलों जांच आसंता 3 मास शेष करने को निर्देश देते कोर्ट। कौन प्रकार न्यूज रिपोर्ट को ग्रहणीय नुहे सुप्रीमकोर्ट। सुप्रीमकोर्ट राय पर सोशल मीडिया एप्स अदानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अदानी प्रतिक्रिया सत्यमेव जयते जो रही कृतज्ञता जनाई गौतम अदानी भारतीय विकास यात्रा अदानी ग्रुप योगदान आगक जारी रही गौतम अदानी या पूर्व 24 नवेम्बर होता शुणी में कोर्ट मार्केट रेगुलेटर सेबी जांच एक्सपर्ट कमिटी को नहीं उठी प्रश्न को आग्रह कर सुप्रीम कोर्ट ने 3 या 4 चीज़ें महत्वपूर्ण 3 या 4 चीज़ें कही हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें एसआईटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सेबी का जो सिस्टम है वो सही है, रोबस्ट है, उनकी जो रेगुलेशंस है वो सही है, उनमें कोई ऐसी कमी नहीं है। दूसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अखबारों की रिपोर्टों पर मीडिया रिपोर्ट्स पर ही सिर्फ कोर्ट आना सही नहीं है और उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट और OCCPR रिपोर्ट RP रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तीसरी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 22 इंस्टेंसेस हैं उसमें से 20 की तो रिपोर्ट आ गई और 20 की रिपोर्ट उन्होंने मान ली है सेबी की के सही है कि उसमें कोई गलतियां नहीं है और दो इंस्टेंसेस के लिए उन्होंने कहा है कि 3 महीने में इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश की जाएगी। चौथी चीज सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो निवेशकों का नुकसान हुआ है उसकी तरफ भी हमें गौर देना पड़ेगा और निवेशकों के लिए समय दिया गया है सेबी को देखने के लिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन की जाए कि क्यों नुकसान हुआ, शॉर्ट सेलिंग हुई, क्या हुआ। और इसके आधार पे हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर ये तफ्तीश या इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान सेबी करेगी पर अगर सेबी को लगी कि उनको बाकी संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, बाकी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है वो भी ली जाए। जो 20 इंस्टेंसेस हैं, जो 20 आरोप थे उनको तो जो रिपोर्ट आ गई है सेबी की और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को मान लिया, इसका मतलब यही है कि वो सही नहीं पाए गए। 2 की रिपोर्ट अभी जारी आएगी, 3 महीने में आएगी, तब देखा जाए। Well, I would say it's a complete exoneration of the Adani Group. The salient features of the judgment pronounced today are as follows. 1, that the court has trusted the SEBI investigation. The SEBI investigation is complete in 22 out of 24 instances. The remaining 2 will also be finished by SEBI within 3 months. The court has said that it trusts SEBI. It does not warrant any CBI or any other police investigation as demanded in the 4 writ petitions before the Supreme Court. The Supreme Court has also said that we will not pass any order directing framing of any new regulations as was demanded by the petitioners by SEBI. The Supreme Court has trusted SEBI to do whatever it has to do and no other material was found to warrant any other investigation and therefore the matter has ended and the SEBI will complete, as I said, its 2-instance investigation within 2 months. That's all. जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।